व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द फादर। वेल, साउथ अमेरिका का एक गांव जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक परिवार है लिस का। यहां पर हम जान पाते हैं कि लिस, जो कि गूंगी है, वो बोल नहीं सकती और उसने एक शख्स से शादी करी है जिसका पहला एक मैथ्यू नाम का बेटा भी है। और लिस की शादी के बाद उसे एक सैम नाम की बेटी हुई है। वो लोग खुशी खुशी यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन उनकी इस खुशी में किसी की नजर लगने वाली है। और फ्राइडे को पूरा परिवार एक साथ चर्च की ओर जा रहा था, जिसमें लिस भी होती है। लेकिन वहां जाकर जब वो नए पादरी की आवाज सुनती है तो वो डर के मारे सहम जाती है। वो हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखती है, लेकिन उसके मन में बस एक ही चीज चल रही थी, वो सच ना हो जाए जो वो सोच रही है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो उसे समझ आता है कि ये उसका अतीत का कल है। लेकिन आखिर इस पादरी और लिस के बीच क्या रिश्ता है और वो उसे इतना ज्यादा क्यों डर रही है, अब ये सब आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। वो पादरी सभी को धार्मिक स्पीच देना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे गॉड ने भेजा है ताकि वो सभी लोगों को अच्छे रास्ते पर ला सके और जो भटक गए हैं उन्हें समझा सके। उधर लिस बस उसे ही देखे जा रही थी, मानो उसके आंखों के सामने फिर वो बिछड़ा हुआ कल वापस आ गया। कुछ ही देर बाद प्रेयर खत्म हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी गांव में रह रही एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए लिज उसकी मदद करती है। लेकिन इसमें हम जान पाते हैं कि या तो वो बच्चे को बचा सकती है या फिर उसकी माँ को। लिज फैसला करती है कि वो माँ की जान बचाएगी, जो कि सही भी था। लेकिन अगले दिन जब वो नैथन के घर जाती है, जो कि उसी लड़की का पति होता है, वो उस लड़की की हालचाल पूछने के लिए गई थी तो वो अंदर उसे जाने से मना कर देता और बताता है कि पादरी ने डॉक्टर को बुलवा लिया है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिज को काफी अजीब लगा, पर वो कुछ नहीं कहती और घर की ओर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में घर जाते समय वो देखती है कि गांव वालों का स्वभाव कुछ बदले बदले से लग रहे हैं और ये सब उस पादरी के आने के बाद से हो रहा है। उस दिन देर रात नैथन शराब के नशे में उसके घर आकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि उसकी वजह से ही उसके बेटे की मौत हो गई। तब लिज समझ जाती है कि उसे जरूर पादरी ने ही भड़काया है। तभी वहां पादरी आता और उसे ले जाता है। ये देखकर लिस के डैड अलॉय उसे अंदर बुलाते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ वो पादरी अपनी मीठी मीठी बातों से उनका मन बहलाने लगता है, पर जाते समय वो लिस के पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ताकि तुमसे बदला ले सकूं। तुम्हें अपना परिवार बहुत पसंद है ना, और हाँ, तुम्हारी बेटी सैम में तो अब मुझे एक औरत की झलक भी दिखने लग गई है। ये सुनकर लिस सहम जाती है और डर के मारे रोना शुरू कर देती है। तो अलॉय कहता है कि तुम घबराओ मत, हम लोग यहाँ से कल वापस चले जाएंगे दूसरे किसी गांव में, पर पहले मुझे अपने जानवर बेचने होंगे ताकि कुछ पैसे हमारे हाथ में आ जाए। अब अगले दिन जब मैथ्यू उन भेड़ों को देखने के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सारे जानवर किसी ने मार दिए थे। और जब ये अलॉय देखता है तो वो समझ जाता है कि ये काम नैथन का ही है, लेकिन लिस को पता था कि ये कौन कर सकता है। उधर अलॉय तो निकल जाता है नैथन से हिसाब पूरा करने के लिए। इधर लिस सैम की आंखों पे पट्टी बांध कर उसे बाहर बैठा देती है, ताकि जब वो अंदर की सफाई करे तो किसी तरह का खून उसे ना दिखे, जिससे वो डरे ना। लेकिन लिस के अंदर जाते ही उसका दरवाजा कोई बंद कर देता है, जिससे वो घबरा जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो गेट के दरारों से देखती है तो वहां पर सैम के पास वही पादरी आता है और उसे कहीं अपने साथ ले जाता है। ये देखकर लिस छटपटा रही थी बाहर निकलने के लिए, और इसी चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर कर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब हम देखते हैं कि अलॉय वापस आ चुका है और अब लिस को भी होश आ जाता है, वो उसे बताता है कि नैथन तो परिवार समेत गांव छोड़कर चला गया है, फिर हमारे जानवरों को कौन मार सकता है। तभी वहां सैम भागती हुई आती है, जिसे देखकर लिस को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वो बदली बदली सी बातें कर रही थी। काफी लाड प्यार करने के बाद वो अपनी माँ से बहुत ही अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या आपने किसी का खून करा है। अब लिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बेबस थी। आखिर वो इस मासूम को क्या समझाए। उसने पूरी रात यही सोचते सोचते गुजार दी कि आखिर वो अपनी बेटी को क्या जवाब दे। लेकिन जब अगली रात आती है तो वो ठान लेती है कि आज वो उस पादरी से बदला लेकर रहेगी, इसीलिए वो घोड़ा लेकर निकल जाती है उसे बदला लेने। पर उसका घर तो खाली था, वहां पर कोई नहीं था। जब वो उसके बिस्तर को हटाती है तो वहां पर एक गुड़िया लेटी हुई थी। तभी हमें लिस का घर दिखाया जाता है। असल में पादरी लिस के घर पहुंच चुका था और वो अब सैम को अपने साथ ले जाता है, ये उसकी एक चाल थी। इधर जब अलॉय हलचल की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि शेड में कुछ उजाला है, शायद फिर से कोई उसके भेड़ों को मारने के लिए आया है। वो बंदूक लेकर फौरन वहां पहुंचता है, लेकिन अंदर घुसते ही वो पादरी उसे चाकू से उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल देता है, जिससे वो एक जिंदा लाश की तरह वहीं पर पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहां लिज आती है तो अलॉय की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पादरी ज्यादा टाइम अलॉय से कहता है कि
कि ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लिज प्यार करती है और अब वो उसकी सारी खुशियों को छीन लेगा। तभी वहां पर सैम आती है भागते हुए। जब अलॉय बाहर देखती है तो उसका पूरा घर किसी ने जला दिया था और ये काम पादरी का था। लेकिन लिज फौरन अपने बच्चों को लेकर अपने रिलेटिव के घर के लिए निकल जाती है। लेकिन आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? भले एक फादर को किसी ऐसी गूंगी लड़की से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं कहानी का चैप्टर 2, जिसका नाम है एग्जॉडस, मतलब कि एक ही समय पर बहुत सारे लोगों का दूसरी जगह पर पलायन करना। यहाँ हम एक 13 साल की लड़की को नंगे पैर खस्ता हालत में रेगिस्तान में भटकते हुए देखते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक टांगे वाला आता है जिसके पीछे उसकी फैमिली भी थी। वो उसे पानी पिलाता और कुछ खाने को भी देता है, पर इस पानी की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाकर बेच देता है जहाँ पर इस लड़की की जिंदगी अब नरक बनने वाली थी। ये एक वैश्या खाना था जहाँ पर हर रोज न जाने कितने लोग आते थे और लड़की के साथ जबरदस्ती करते थे। उस छोटी सी लड़की का नाम होता है जुआना, जिसको अच्छे से पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो अभी मासूम है और किसी से कुछ कहती नहीं है। उसकी इस मासूमियत को देखकर एक सैली नाम की लड़की उसका ख्याल रखने लगती है। वो नहीं चाहती कि उसका भी वही हाल हो जो उन लोगों का हर रोज यहाँ होता है। वो उसे और मजबूती देने लगती है, जितना हो सके उसे किसी के साथ सोने के लिए पीछे करने लगी थी। एक दिन ऐसे ही एक आदमी की नज़र जुआना पर पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन तभी सैली आकर उसे रोकती है और वो उसके साथ कमरे में चली जाती और वहाँ वो सैली के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लग गया था। वो जुआना को भी चोट पहुँचाने लग जाता और ये सैली से देखा नहीं जाता, इसलिए वो उस आदमी को गोली मार देती है। और जब ये बात वहाँ के मालिक फिन को पता चलती है तो गुस्से से वो पागल हो जाता है, क्योंकि इससे उसके इस जगह की बदनामी होगी और इसीलिए वो सैली को सभी के सामने फांसी पर लटका देता है और ये संदेश देता है कि अगर किसी और लड़की ने दोबारा ऐसे किया तो उसके साथ भी यही होगा। जुआना ये देखकर पूरी तरह से सहम जाती है। अब सैली के जाने के बाद धीरे धीरे करके समय बीतने लग गया था। जुआना बड़ी होने लगी थी और उसे भी वहाँ वो सब करना पड़ गया जो कि और लड़कियाँ करती हैं। इसी समय पर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ नाम की लड़की से होती है जो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है। दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताती थी, लेकिन एक दिन एक शराबी आदमी एलिजाबेथ को पीटने लगता है और इसके जवाब में वो भी उसके ऊपर हाथ उठा देती है। और जब ये बात फिन को पता चलती है, जो कि यहाँ का मालिक है, वो उसकी जीप को ही काट देता है ताकि वो आगे से कुछ बोल ना पाए। ये सब चीज़ें शायद जितनी बोलने में आसान लग रही थी उतनी ही देखने में दर्दनाक लगती है। जीप के कट जाने के बाद एलिजाबेथ अब जुआना के साथ साइन लैंग्वेज में बात करने लगी थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी अब उसे ऐसी बात करनी होगी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद वो कहती है कि उसे अब यहाँ से जाना है, किसी आदमी से शादी करनी है, अपना घर बसाना है। इसलिए दोनों एक दिन शादी की अर्जी डालने के लिए एक दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर जुआना को एक परिवार मिल जाता है जिसमें एक आदमी की पहली बीवी की मौत हो गई थी और अब वो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता है। वो एलिजाबेथ से भी कहती है कि चलो तुम भी साथ चलो मेरे साथ। वो मान जाती है और फिर एक रात वो दोनों प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। लेकिन उसी दिन यहाँ पर कोई अमीर आदमी आ जाता है और उसने एक रात के लिए उस पूरे वैश्या खाना को खरीद लिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे कोई देखे, इसलिए वो सभी को एक साथ नीचे बुलाता है। लेकिन उसे किसी खास और खूबसूरत लड़की की तलाश थी और वो तलाश जुआना को देखकर पूरी होती है। उसकी आंखों पर वो पट्टी होती है, लेकिन जब वो उस पट्टी को हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि यही वो शख्स था जिसे वो भाग रही थी और ये वही पादरी भी है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, आप लोग अभी इस समय पर जो कहानी चल रही है वो पास्ट की है। खैर, यहाँ पर वो पादरी कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। चलो अब मिली गई हो तो मुझसे शादी करो और मेरी हो जाओ। लेकिन जुआना इस बात से मना कर देती है तो वो गुस्से में आकर उसे मारने लगता है और जुआना की चीख सुनकर एलिजाबेथ भागते हुए कमरे में आती है और उस पादरी पर हमला करती है। लेकिन वो पादरी उस पर दोबारा से हमला करता है जिससे कि उसकी दोस्त एलिजाबेथ मारी जाती है। अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर जुआना बहुत गुस्से में आ चुकी थी और इसीलिए वो उस पादरी को पीछे से गले पर वार करती है और फिर उस कमरे को आग लगाकर वहां से भाग जाती है। वो सीधा एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी जीप काट दे, पर ऐसा वो क्यों कर रही है ये सवाल वो डॉक्टर उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, बस जीप काटने को बोलती है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा साउथ अमेरिका के गांव में चली जाती है जहाँ पर उसकी शादी फिक्स हुई थी। उसने अपना नाम जुआना से बदल कर लिज कर लिया। ये परिवार था अलॉय का, जिसका एक बेटा मैथ्यू पहले से ही था। लिज उसके साथ खुशी खुशी रहने लग गई थी और कुछ इस तरह से वो अलॉय से मिली। लेकिन अभी भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर क्यों वो पादरी उसके पीछे पड़ा है, दोनों का क्या अतीत है, ये जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे।
इस कहानी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जेनेसिस, मतलब कहानी का प्रारंभ कहां से हुआ। तो इसके शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके बच गए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर हम एना और इसकी फैमिली को देखते हैं। वो यहाँ पर पिछले 17 सालों से रह रही है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जुआना, जो कि अभी सिर्फ 13 साल की है, जिसका पिता वही पादरी है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जी हाँ, आपने सही सुना, लेज यानी कि जुआना, उसके पिता वही पादरी है। यही वजह है कि वो उसे मानने के लिए उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि वो एक पूरे धार्मिक विचारों का मानने वाला है। और उनका ये मानना है कि औरतों का शरीर उनका नहीं बल्कि उनके पति का होता है, और वो जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। और यही वजह है कि इन बीते सालों में एना हर रोज़ उस पादरी की मार सहन कर रही है जो कि उसके पति हैं, लेकिन उसने अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से दूर रखा है। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि पादरी के ऊपर अब पागलपन सवार हो गया है। वो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ रहा है। एक दिन सभी लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर वो पादरी धार्मिक स्पीच देता है। सभी लोग उसकी बातें मानने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो सही बोल रहा है या फिर गलत। वो सारे लोग उन्हें अपने सपने के बारे में बताने लगते हैं, और ये सुनकर वो खुश होता है क्योंकि लोग उसकी बात मान रहे थे। इसके बाद वो एना को बुलाता और उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ दिखा, तो वो मना कर देती है। और ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और उसे सबके सामने बहुत जलील करता है। ये सब दूर बैठी जुआना देख रही थी। कुछ दिन बाद जुआना को पहला पीरियड आता है। वो ये बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ तो उसके डैड से कोड़े खा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो चर्च में उनका साथ नहीं दिया। ये सब जुआना बचपन से देखती हुई आ रही है। अगले दिन वो अपना खून लगे कपड़ों को साफ कर रही होती है, लेकिन उसके सामने आना आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसे समझा रही थी कि आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब दूर खड़ा पादरी ये सब देख रहा था, और एना के आते ही वो उसे समझाने लगा कि अब तुम्हें जुआना को बच्चों की तरह समझाना बंद करना होगा, वो एक औरत बन गई है। और ये बात एना को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकता है। वो जुआना को अब गंदी नजरों से देखना शुरू कर देता है, और उसने उसे बेटी मानना छोड़ दिया था। एक दिन तो बाथरूम में वो घुस जाता और कहने लगता है कि मैं इसे नहलाऊंगा, तो एना वहां से चली जाती है। लेकिन वो उनकी बातें सुन रही थी, जिसमें वो पादरी जुआना से कहता है कि तुम्हें औरत गॉड ने एक मकसद से बनाया है, और वो मकसद ये है कि तुम्हें मर्दों की कही हुई सारी बातों को मानना है, उनके सामने झुक कर रहना है। अब एक दिन हम उन्हीं दो लोगों को इस ओर आते हुए देखते हैं जो रेगिस्तान में बच गए थे। जुआना उन्हें जख्मी हालत में देखकर घबरा जाती है और उन्हें जानवरों के घर में पनाह देती है, उनका इलाज करती है। लेकिन दूसरा आदमी काफी बदतमीज होता है, इसीलिए पहला वाला आदमी जिसका नाम जॉन है, वो जुआना को वहां से चले जाने को बोलता है। उधर हम एक दिन पादरी को जुआना के रूम के अंदर झांकते हुए देखते हैं जब वो कपड़े बदल रही थी। एना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और विरोध करती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो कहता है कि इसमें कौन सी शर्म है, अब वो एक औरत बन गई है और उससे मैं किसी भी तरह का संबंध बना सकता हूँ, शादी भी कर सकता हूँ। ये सब सुनकर एना चिल्ला उठती और कहती है कि तुम एक सुअर हो जो अपनी ही बेटी पर गंदी नजर डालता है। अब ये सुनकर पादरी पागल हो जाता और उसे पीटने लगता है और उसके मुंह पर किसी गुलाम की तरह ताला लगा देता है। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो समझ गया था कि सैमुअल उसके लिए खतरा बनता जा रहा है, जो कि उसका साथी है और आगे जाकर वो पकड़ा जा सकता, और इसीलिए वो उसे धोखे से फांसी लगाकर मार डालता है, फिर उसकी लाश को काटकर उन भेड़ों को खिला देता है। अब यहाँ जुआना और वो दोनों साथ में काफ़ी समय बिताने लग गए थे, और वो अपने और पादरी के बीच में रिश्ते को भी धीरे धीरे करके उसके साथ शेयर करने लग गई थी। एक दिन पादरी एना को चर्च लेकर जाता है उसी हालत में, ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि अपनी बीवी को भी गुलाम बना सकता है। लेकिन वहाँ जाकर वो अपनी बेटी के बारे में और एना के बारे में लिमिट से ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, जिस वजह से एना खुद को रोक नहीं पाती और वहीं सबके सामने ही फांसी लगा लेती है। पूरे चर्च के लोग ये देखकर सहम जाते हैं, खासकर जुआना। ये सारी घटनाएं देखकर जुआना के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। रात में वो जॉन के पास जाती है और उसे गले लगाकर अपनी माँ के जाने के दुख बताती है। वहीं पादरी खुद को कूड़े मारता है और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। और फिर अगले दिन जुआना के पास जाकर कहता है कि तुम्हें पता है मुझे गॉड ने माफ कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी माँ ना तो बीवी बनने के लायक थी और ना ही माँ। इसके बाद वो जुआना को लेकर जानवरों के घर में जाता है और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि गॉड ने हमें चुना है, हमें एक साथ रहना है। लेकिन तभी वहां जॉन आ जाता और पादरी उसे मार देता है, जिसके बाद वो जुआना के मुंह पर भी वही ताला लगा देता है और उसे घसीटते हुए घर ले जाता है, जहां पर पहले तो वो उसे खूब मारता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है।
ये सब चीजें जुआना के लिए सच्चाई से एकदम परे थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पिता ही ये सब के पीछे थे। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि हमेशा वो करना जो तुम्हारा दिल कहे। इसलिए सूरज निकलने से पहले ही जुआना वहाँ से भाग जाती है और पादरी सोता ही रह जाता है। जो कि हमने चैप्टर 2 में जुआना को रेगिस्तान में भागते हुए देखा था, वो कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अब आता है इस कहानी का आखिरी चैप्टर, यानी कि प्रेजेंट के समय पर, जहाँ पर जैसे ही हमें पता चलता है कि लिज अपने दोनों बच्चों को लेकर रिलेटिव के घर जा रही है। लेकिन उसे ये पता है कि उसके पिता उसके पीछे ज़रूर आएगा, और होता भी ऐसे ही है। वो पादरी पहले मैथ्यू को आकर पीछे से मारता है। अब लिज उसे मरता हुआ देखकर गले से लगा लेती है, क्योंकि न जाने उसकी वजह से कितनी लोगों की जान जाएगी। और वो सैम और लिज दोनों ही अलॉय के पिता के घर जाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ जाकर वो उन्हें सारी बातें बताती है, जिससे वो टूट जाते हैं। और फिर लिज पूरी रात घर के बाहर पहरेदारी करती रहती है। लेकिन वो पादरी वहाँ भी पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बेटी बच जाएगी? अब वो तुम्हारी जगह लेगी, जैसे तुमने अपनी माँ की जगह ली थी। लिज भागते हुए अंदर जाती है और सैम को लेकर भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो पादरी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो आदमी सैम के ऊपर कोड़े बरसाता है। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन उस पादरी के धर्म उसके दिल से होकर उसके दिमाग तक पहुँच गया था, जो कि अब जहर बन चुका था। इसलिए वो खुद को ईश्वर मानने लगा था और जो भी मन में आ रहा था वो करता जा रहा था। लेकिन हर गुनाह की सीमा होती है, और एक दिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो टूट जाता है। हम देखते हैं कि लिज ने अपने हाथ खोल लिए हैं और वहां लगी एक लांटेन से वो उस पादरी को जला देती है। वो जलने लगता है और फिर उसे गोली मारकर बालकनी से गिरा देती है। शायद यही उसका अंत हो गया है। यहाँ से कहानी अब 4 साल बाद आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिज अलॉय के परिवार के साथ रह रही है। एक दिन वहाँ नैथन आता है, जो कि अब पुलिस वाला बन गया है। उसे पता चलता है कि लिज एक वैश्या थी और उसका असली नाम जुआना है, और उसने जोसफिन को उस वैश्या खाना के मालिक था उसका खून करा है। अब यहाँ वो उसे ये कैसे बताए कि वो खून उसने नहीं बल्कि एलिजाबेथ ने किया था। लेकिन नैथन को अपने बच्चे की मौत का बदला भी तो लेना था, इसलिए वो उसे पकड़ कर ले जाता है। लिज जाते हुए अपनी बेटी को देखती है, जो कि खुश है, और अब वो चाहती है कि वो इन सब से आज़ाद हो जाए। अब ये सब सोचते हुए लिज बीच रास्ते में ही पानी में कूद जाती है और खुद की कहानी को ख़त्म कर देती है। और आखिर में वो भी उस धर्म के जाल में फंसी गई। उसने अपनी ज़िंदगी लड़ते लड़ते गुजार दी, लेकिन अंत में उसे मौत ही हासिल हुई। इसलिए कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वेल, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।